या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 334। सेकेंड ऑफ फरवरी 1983, वाइज इन उपांगा जमात खाना दर सना। सतगुर कहे हमें आवे आवे ही लोक मां, लाविया मुग तनु भेद, पण रंग भौम पदवी बहु पामिया, मोल रे भाई थोड़ा आशक मोल। वाला नाजर इमाम पर बात थोड़ा दिनदार है वाला, परसों मैंने बड़े जमात खाने के अंदर वाइस की वाला नाजर इमाम की 15 मिनट के फरमानों पे, आज ये उसकी दूसरी पड़ी है। कुछ बातें जरूर रिपीट होंगी ताकि जमात का ध्यान खींचा जाए। मोमिनो, अगर आप इतिहास पढ़ो, कोई भी धर्म की किताबें पढ़ो, तो हमें उसके अंदर से एक बात नजर आती है कि खुदा ताला ने हर जमाने के अंदर, हर कौम के अंदर, हर मुल्क के अंदर अपनी तरफ से ऐसे आदमी भेजे जिनको हम नबी या अवतार कहते हैं, जिन्होंने लोगों को दुर्वनी दी, नेकियां सिखाई, उनकी बदियों बुराइयों के ऊपर टीका की, उनको रास्ता दिखाया। जमाने के अंदर हेर फेर होते रहे, उस हेर फेर के हिसाब से ये नबी और महात्मा और उनके हाथ के नीचे जो दाई और मिशनरी पंडित और जो साधु थे, उन्होंने लोगों को हिदायत करनी शुरू की। ऐसे लोग बहुत थोड़े थे कि जिन्होंने उनकी हिदायत को जल्दी से कबूल किया। अपोजिशन करने वाले हमेशा ज्यादा रहे। अगर हम अपना इस्माइली इतिहास, नजदीक का इतिहास देखें, तो रसूल अकरम हमारे सबसे बड़े दाई और मिशनरी थे। नबी साहब को भी कितने दुख उठाने पड़े जब उन्होंने बदियों बुराइयों के ऊपर टीका की। और टीका होती है, एक आदमी झूठ बोलता है और आप कहो कि झूठ अच्छा नहीं तो उसको बुरा लगता है, एक आदमी शराब पीता है और आप शराब की टीका करो तो उसको बुरा लगता है। इस तरह से रसूल अकरम को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा, दूसरे मुल्क में, दूसरे गांव में चले गए। नबी साहब के जमाने से लेकर आज तक हर एक इमाम ने अपने हाथ से नीचे पीरों की अपॉइंटमेंट की। कभी कभी हर इमाम ने पीरी जोम अपने हाथ में रखा और उन्होंने मिशनरी तैयार किए, दाई तैयार किए, अगत तैयार किए, जो हर जमात के अंदर वादे करते रहे, मजहब सिखाते रहे। उनके अंदर जो जोत थी तो वो इमाम की जोत थी, वो भगत और वो मिशनरी। जमात के अंदर वो वाज करने वाले मुबल्लिग और वाइजीन, जो कुछ भी जमात के अंदर बोलते हैं वो अपने इमामों के फरमानों के, अपने समझ के हिसाब से, अपने इलम के हिसाब से, अपने अमल आमाल और बंदगी के हिसाब से और अपने तरीके से जमात को कहते हैं। जमात हर मिशनरी की बात नहीं मानती, जमात हर पीर की बात भी नहीं मानती, सारी की सारी जमात इमाम को भी नहीं मानती। हमारे इसी गांव की अंदर, दार सलाम की अंदर, कड़िया को के अंदर, एक आदमी ने हाजिर इमाम की फोटो फेंक दी थी उतार के, वो भी तो इस्माइली था ना। जब यहाँ 1971 के अंदर मकान लिए गए तो उस आदमी को ऐसा जोश चढ़ा के ईमान भूल गया, कहने लगा इस इमाम ने हमको कहा इधर बैठे रहो और इधर के वतनी बनो, इधर का पासपोर्ट लो, और अब हमारे मकान चले गए, साथ की फोटो उतार के फेंक, यही दरअसल। तो जमात के अंदर
سب لوگ اس طریقے نہیں. حضرت امام آئے ہم کو فرمان فرمائے, ماں باپ کے بھی فرمان سب لوگ نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. زمانہ دن بدن خراب ہوتا گیا. آج سے 100 برس پہلے اگر 50% آدمی مانتے تھے مولا کے فرمان کو تو آج 40% مانیں گے. آج سے 150 برس کے بعد شاید 10% بھی نہ مانیں, کیونکہ زمانہ ایسا آ رہا ہے. ادھرم بڑھتا جاتا ہے, بے ایمانی بڑھتی جاتی ہے, جھوٹ بڑھتا جاتا ہے, لوگ لالچ بڑھتا جاتا ہے, موج شوق ایش آرام رنگ رلیاں بڑھتی جاتی ہیں. پیروں نے ہم کو بہت برس پہلے فرمایا اور پیروں نے جو کہا وہ اماموں کا ہی فرمان ہے, کیونکہ پیر امام کا نور ہوتا ہے. پیر کی اپوائنٹمنٹ امام کرتا ہے, شاہ اور پیر میں کوئی فرق نہیں. ایک ماں کا جوما ہے, ایک باپ کا جوما ہے. اسی طرح سے حضرت امام ہمارے لیے دونوں جو ہمیں ساتھ لے کے بیٹھا ہے, وہ ہمارا شاہ بھی ہے, ہمارا پیر بھی ہے, ہمارا روحانی باپ بھی ہے, ہماری روحانی ماتا بھی ہے. اور اسی طریقے سے وہ ہمیں دوروانی دیتا ہے, ہمیں فرمان کرتا ہے اور ہمارے پاس تالیکے بھیجتا ہے. تو ایسی ہی دعا سیکھ لیتا ہے کہ میں پیار بھری ماتا کا طریقے دعا سیکھ لیتا ہوں. مولانا حضرت امام ادھر آئے, مولانا ہمیں پہلے ہی دن فرمان کیا کہ میں جب ہی جاؤں گا تو تمہیں میں خاص تمہارے واسطے اسپیسیفک فرمان کر کے جاؤں گا, یعنی تمہارے واسطے ہی خاص وہ فرمان ہے, اس کے اوپر عمل کرنا. اور وہ عمل اگر کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے. مولانا حضرت امام میں آپ کو چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں. مائی ڈیئر اسپرچوئل چلڈرن, آئی مینشن ٹو مائی اسپرچوئل چلڈرن ارلیئر, میں نے اپنے روحانی بچوں کو اس سے پہلے اس بات کی بھلامن کی ہے that Tanzania, like many other countries where the Jamaat is living, is facing difficulties. میں نے تم کو پہلے اس بات کی خبر دی ہے, میں نے چیتونی دی ہے کہ دنیا کے اور دیشوں کے اندر جس طرح سے دکھ تکلیفیں ہیں, تو اس طرح سے جہاں تم لوگ رہتے ہو تمہارے دیش تنزانیہ کے اندر تکلیفیں ہیں. اینڈ مائی فرمان ٹو یو از ٹو فالو دی پاتھ دیٹ وی ہیو فالوڈ ہسٹوریکلی. میرا آج تم کو یہ فرمان ہے, میں آج تم کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے اپنی ہسٹری کے اندر بھوت کال کے اندر عمل کیا ہے, جو طریقہ اختیار کیا ہے, جس رستے کے اوپر ہم بھوت کال میں چلے ہیں, تم اس رستے کے اوپر آج بھی چلو. وہ رستہ حضرت امام نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا, کیونکہ ہم کو وہ رستے کا پتہ ہے. آپ کو مشنری اسی لیے ہوتے ہیں کہ امام کے فرمانوں کو الیبوریٹ کر کے ایکسپلین کر کے بتائیں. اور وہ رستہ یہ ہے دیندارو ہمارے دین کا, جبھی بھی ہمارے اوپر دکھ تکلیفیں آئیں ہم نے اپنے دین کو اور بھی زیادہ عمل میں لے لیا. جبھی بھی ہمارے اوپر بھوت کاڑ کے اندر تکلیفیں آئیں, دکھ آئے, کوئڑے آئے, پرابلمز آئیں, دشمن کھڑے ہو گئے, تو اس وقت ہم سنگٹھت ہو گئے اور بھی زیادہ, ہمارے اندر اور بھی کریج اور ہمت پیدا ہو گئی اور ہر دکھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو گئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمان فرمایا, ماں باپ فرمایا آلموت کے زمانے کو یاد کرو. ایسا وقت آیا ایک دن آلموت کے اوپر کہ 80,000 آدمیوں نے اپنی جان دی. ایک دن کے اندر 30,000 آدمی مارے گئے. ہلاکو خان نے جب آلموت کے اوپر حملہ کیا, ہلاکو خان کے پاس بعض رپورٹ کے حساب سے 3,00,000 آدمی کا لشکر تھا اور امک رپورٹ ایسی ہیں کہ آجو باجو کے اور لشکر اکٹھے ہو کے 6,00,000 آدمی تھے اس کے پاس. 6,00,000 کے سامنے 1,00,000 اسماعیلی کیا چیزیں, لیکن اس بہادری سے لڑے کہ ایک دن کے اندر 30,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان دی. 9 سے 10 مہینے لگ گئے, لیکن ہلاکو خان کا لشکر ہمارے چھوٹے سے آلموت کے قلعے کو
जीत ना सका, ये इस्माइलियों की हिम्मत थी। नीचे लाइब्रेरी के अंदर बहुत से नावल हैं, बहुत सा फिक्शन है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कितने ऐसे जवान हैं, कितने इस्माइली भाई बहन हैं कि जो अपने मजहब की हिस्ट्री की किनान की फरमान की किताबें हर रोज पढ़ते हैं ताकि उनको पता लगे कि हमारा मजहब क्या है, हमारी कौम क्या है। मामा फरमाया, आज मैं तुमको इस बात के लिए फरमान करता हूँ, माई फरमान टू यू, मेरा फरमान तुमको ये है, टू फॉलो द पाथ दैट वी हैव फॉलोड हिस्टोरिकली। व्हेन वी फेस डिफिकल्टी, अब माँ बाप उसका खुलासा भी करते हैं, हमारी ये आदत रही इस्माइलियों की कि जब जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आया, वी स्टैंड अप विथ करेज, जब भी हमारे ऊपर कोई तकलीफ आई, हमने हिम्मत के साथ खड़ा होकर उस चीज का सामना किया। वी डोंट रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, हम मुसीबतों और दुखों से भाग नहीं जाते, हम तो उसका सामना करते हैं, हम पीठ नहीं दिखाते, हम कायर नहीं हो जाते, हम कावड़ नहीं बनते, हम मुर्दार जैसे नहीं बनते, हम हिम्मत नहीं छोड़ देते, हम तो हिम्मत वाले बनते उसका सामना करते हैं। ये है हमारी इस्माइली ट्रेडिशन, ये हमारी इस्माइली हिस्ट्री है। मौला ने ये सब फरमान क्यों किए मैं आपको कहता हूँ, वी डोंट प्रीटेंड दैट दो डोंट एग्जिस्ट। डिफिकल्टीज की बात करते करते माँ बाप फरमाता है कि हम तो हिम्मत के साथ दुख का सामना करते हैं, वी डोंट प्रीटेंड, हम ये दिखावा नहीं करते या हम अपने मन के अंदर ये समझ नहीं लेते कि ये तकलीफें हैं ही नहीं, यानी हम उन तकलीफों को इग्नोर नहीं करते। कबूतर एक ऐसा जानवर है कि जिसमें कोई तरह की हिम्मत नहीं। कबूतर जब देखता है कि बिल्ली नजदीक आती है तो आंखें बंद कर लेता है, अरे तू उड़ जा। जितने भी दूसरे जानवर हैं, जब बिल्ली उसके पास आती है तो दूर से ही उसको देख के उड़ जाते, क्योंकि बिल्ली उसके साथ लड़ने की शक्ति नहीं है। अलबत्ता ऐसे जानवर हैं कि जो बिल्ली से लड़ते हैं, जैसे कि चील, जिसको समरी कहते हैं, वो बिल्ली का सामना करती है और बिल्ली उसके पास भी नहीं जाती, वो इतने बड़े पंख उठा के जब ऐसा फड़फड़ाती तो बिल्ली भाग जाती। इसी तरह से ईगल और हॉक जो हैं, वो किसी झाड़ पे बैठे होंगे तो कोई भी जानवर उनके नजदीक जाता है तो वो उड़ते नहीं, वो उसका सामना करते हैं और वो जानवर भाग जाता है। लेकिन कबूतर जब देखता है कि बिल्ली आ रही है तो आंखें बंद कर लेता है, ये प्रिटेंड करता है कि मेरे को बिल्ली नजर नहीं आती, इसके लिए है ही नहीं। माँ बाप कहते हैं, वी डोंट प्रिटेंड दैट दे, यानी डिफिकल्टी डोंट एग्जिस्ट, हम तो उसका सामना करते हैं। वी लुक एट देम, हम मुसीबत को देखते हैं, हिम्मत के साथ देखते हैं, करेज के साथ देखते हैं। थिंक अबाउट देम, हम अपनी मुसीबतों के ऊपर विचार करते हैं। एनालाइज देम, और हम उस तकलीफों का किस तरह से सॉल्व किया जाए, रास्ता निकाला जाए, हम उसके लिए एनालाइज करते हैं कि भला ये तकलीफ एक है कि दो है या तीन है, इसके पीछे कुछ और है, इसको एनालिसिस कहते हैं। मौला ने कितने अच्छे तरीके से हमको ट्रेनिंग दी है। बाबा फरमाते हैं, हम तकलीफों को देखते हैं, वी लुक एट देम, थिंक अबाउट देम, एनालाइज देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम, और फिर हम उन तकलीफों को कबूल करते हैं ताकि हम उनके साथ लड़ सकें और सामना कर सकें। आओ आओ भाई, खुशी से आओ। तकलीफों से भागते नहीं, तकलीफों से डरते नहीं, हम तो उनको देखते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं दुश्मन को, उसके लिए हम फैसला सोचते हैं कि किस तरीके से मैं इसको जीतूं, किस तरीके से मैं इसको मारूं। एक बहादुर सिपाही की तरह कि जो अपने दुश्मन को देखता है कि इसके पास हथियार में क्या क्या है, तीर कमान भी है, भाला भी है, ढाल भी है, तलवार भी है, या आजकल का हिसाब करो तो उसके पास राइफल है, शॉट
गन भी है, रिवॉल्वर भी है, तो किस तरीके से उसका हाथ कहाँ है? रिवॉल्वर पे है तो रिवॉल्वर जल्दी से फायर हो सकता है, राइफल जल्दी से फायर नहीं हो सकती। उसको निकालने, उसको कंधे पे रखने, एम लेने में टाइम लगता है। ये सब एनालिसिस है, ये एनालिसिस है अपने दुश्मन का, अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का, अपनी डिफिकल्टीज का। अगर इमाम फरमाया एनालिसिस करो कि ये दुख क्यों आया है, कितना है, इसकी ताकत कितनी है, और फिर सब फरमाया उसको आने दो, वी रिस्पॉन्ड टू देम, आने दो और फिर उसके साथ फाइट करो हिम्मत के साथ, वी रिस्पॉन्ड टू देम। एंड जमात ऑफ तंजानिया आर सिटीजन ऑफ तंजानिया, मतलब माँ बाप का कहने का यह है कि तुम तंजानिया के अंदर रहते हो, मतलब कि तुम बैटल फील्ड में हो, लड़ाई के मैदान में हो, तुम्हारा देश इस वक्त तकलीफों में है, तो तुम ये नहीं समझो कि देश में तकलीफें हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं, ये वो प्रीटेंड करने की बात आती है। अगर इस देश में रहते हो तो तुम्हारा देश इस वक्त तकलीफ में है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं, इसके कारण से बहुत सी चीजें नहीं आती, बहुत सी चीजें ना आने के कारण से बहुत सी चीजें नहीं बनती, बहुत सी चीजें ना बनने के कारण से और बहुत सी चीजें ना होने के कारण से हमें जीवन में तकलीफें होती हैं। तो उन तकलीफों का एनालिसिस करो, सामना करो, विचार करो और उसमें से निकलने की कोशिश करो। इस लंबे फरमान के बाद माँ बाप फरमाते हैं, मुझे इस बात की खुशी हुई कि डोडोमा, दार एस सलाम और दूसरी जगहों के ऊपर मुआंजा मोशी में मैंने मुसाफरी की, ये चले दिन का फरमान है। माँ बाप फरमाते हैं, वी सॉ, वी से मतलब बेगम साहिबा और प्रिंस अमीन भी साथ थे, हमने देखा, वी सॉ एंड आई सॉ, देखो दो डिफरेंस कर दिया उसने। वी के अंदर हाजिर इमाम भी साथ हैं, बेगम साहिबा भी हैं, प्रिंस अमीन भी हैं, लेकिन अब कहता है एंड आई सॉ। अभी जो उसने कहा ना एंड आई सॉ, तो ये एक इमाम की दृष्टि से देखा, बेगम साहिबा ने और प्रिंस अमीन ने तो रूहानी दृष्टि से नहीं देखा। वी सॉ एंड आई सॉ एवरी साइन ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, हमने देखा और मैंने देखा कि मेरे रूहानी बच्चों के अंदर हिम्मत है और ताकत है, ऐसी हमें बहुत सी निशानियां देखने में आई। एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज देर इज एन एक्सप्रेशन, इसका फरमाया अंग्रेजी भाषा के अंदर एक कहावत है विच सेज वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, इंग्लिश जबान की एक कहावत है कि जहाँ इंसान का मनोबल होता है, जहाँ उसका इरादा होता है, जहाँ उसकी मर्जी होती, जहाँ विल से मतलब दृढ़ विश्वास वाली विल, तो उधर रास्ता निकल आता है। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, फिर माँ बाप फरमाता है, उस वक्त सब मुस्कुरा रहे थे, माँ बाप फरमाया अवर विल इज द इस्माइली विल, और हमारी जो विल है वो इस्माइली विल है। इस्माइली विल क्या है? अभी हमने जब तस्वीर शुरू की तो हमने पाठ बोला कुछ बिना कोई अवर न दीजिए, स्वामी हमने से तमारो आधार, ये हमारी दिल किसके साथ बनती है? हमारे दिल के अंदर एक इतनी बड़ी आला हिम्मत होती है, मेरा मौला बैठा है, मेरा मौला बैठा है, ये चीज इस्माइली विल पावर को मजबूत करती है। मेरा मौला बैठा है, हमें अपने मौला की आशा, उसके नूर की हमारे ऊपर बारिश है, हमारे ऊपर उसका छतर छाया है, उसकी दुआएं हमारे साथ, ये एक बहुत बड़ी अजीम चीज है। इसके लिए हम फरमाते हैं कि हमारी जो विल है वो इस्माइली विल है। इस्लाम के सारे इतिहास में इस्माइलियों का जो इतिहास है वो इस्लाम के अंदर जलवंत इतिहास है, बहुत प्रोमिनेंट है। जितनी कुर्बानियां, जितने दुख इस्माइलियों ने उठाए इस्लाम के किसी और फिरके ने नहीं उठाए, नहीं,
اسماعیلیوں کا اتحاد اس حالت میں بھرا پڑا ہے. اسماعیلیوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ارے سنگل اسماعیلی نے, ایک انڈیویجول نے, ویکتیگت آدمی نے سلطنتیں بنائی ہیں. ہزاروں لاکھوں کی لشکر لے کے جیت کے نہیں, مولانا امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ, اپنے پتا شری مولانا امام رضی الدین عبداللہ کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام استنبول میں تھے. استنبول ترکی کا ایک گاؤں ہے, اس زمانے میں وہ ٹرکش کیپٹل تھا. 1922 کے اندر کمال اتاترک نے استنبول کو کیپٹل چھوڑ کے انکرا نوا کیپٹل بنایا. وہ زمانے کے اندر امام رضی الدین عبداللہ استنبول میں تھے. انہوں نے ایک دائی کو افریقہ بھیجا. ایک دائی افریقہ آیا, اس دائی کا نام تھا ابو علی. افریقہ میں گزرتے 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 یعنی پتار ہوتے ہوتے موروکو گیا اور اپنے بھائی کو بعد میں بلایا, اس کا نام تھا دائی ابو الحسن. ان دونوں بھائیوں نے, جو کہ بھائی اس کے بہت بعد آیا مدد کرنے کے لیے, لیکن جب دائی ابو علی ادھر گیا تو اس نے موروکو کے بربر قبیلوں کے اندر ریتان کیا, دوستی کی, چھپ چھپ کے ایک ایک کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. جب یہ کام کافی بڑھ گیا تو اپنے بھائی کو بلایا اور ان دونوں نے مل کے تھوڑے ہی برسوں کے اندر, کتنے برس, 2 سے 3 برس کے اندر 2 لاکھ آدمیوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. یہ بربر قبیلے والے لوگ واریئر ہیں, لڑوئیے ہیں, بہادر ہیں. ان لوگوں کے جب اسماعیلی مذہب کی اسپرٹ ظاہر ہونے لگی تو اس نے مولا کو لکھا. اس درمیان میں مولانا, یعنی یہ حالت بنی, اس سے پہلے مولانا رضی الدین عبداللہ نے جامعہ پورا کیا, دنیا چھوڑ دی, امامت مولانا امام مہدی کو ملی. مولانا امام مہدی کے پاس جب اس نے چند آدمیوں کا ڈیپوٹیشن بھیجا کہ خداوند ادھر راز قائم ہو گیا ہے, تخت تیار ہے, آ کے بیٹھ جا, مولانا نے اپنے فرزند قائم شاہ کو بھیجا. امام قائم 17 برس کی عمر میں ادھر آئے اور ان کے بعد مولانا امام مہدی آئے اور یہاں سب سے پہلے خلافت شروع ہوئی موروکو کے اندر. اسی طرح سے اکیلا سنگل آدمی حسن بن صبا گھومتے پھرتے نارتھ ایسٹ سائڈ کے اندر ایران میں, جب وہ آلمود کی پہاڑیوں کے پاس البرز کی پہاڑیوں میں پہنچا تو وہ سوچ میں پڑا. اس کی آنکھوں نے ایک فلم دیکھنی شروع کر دی. وہ سوچنے لگا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ بنایا جائے اور اس تمام علاقے کے اندر اسماعیلی سلطنت بنائی جائے, اور آخر اس نے اپنے اس ڈریم کو پورا کر دکھایا. جب آلمود کی سلطنت تیار ہو گئی, قلعہ بن گیا, 40 آدمیوں کو بھیجا اس نے, مولا کو لے کے آؤ. اس وقت مولا دنیا بھانے امام نزار کے جامعے میں تھے. امام نزار کو ان کے بھائی نے الیگزانڈریا کے قلعے کے اندر نظر قید کر رکھا تھا. جب یہ 40 آدمی کسی نہ کسی طریقے سے Where there is a will, there is a way. یہ 40 آدمی ایران سے الیگزانڈریا آئے, لاؤ لشکر کے ساتھ قلعے کے دروازے بند ہیں, لوکھنڈی دروازے ہیں, آجو بازو میں سیکیورٹی بے حساب ہے, پنچھی تک قلعے میں جا نہیں سکتا, اب ان کو قلعے کے اندر جانا ہے. اس کے لیے امام فرماتے ہیں اور ول از اسماعیلی ول. اسماعیلی بچہ جب کوئی کسی چیز کے اوپر ڈیسائڈ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, کیونکہ امام کی شکتی اس کے ساتھ ہوتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, نہیں روک سکتی. یہ 40 آدمی جب الیگزانڈریا کے قلعے کے نیچے آئے ہیں, سیکیورٹی ایسی, یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں آجو بازو میں پڑے رہے. ان کے سردار نے رات بھر نیند نہ کی, لیکن وہ سیکیورٹی کے سولجروں کو دیکھتے رہے. ایسا ہی ایک دن چانس مل گیا کہ ان سیکیورٹی والوں میں سے ایک آدمی جنگل کے اندر کوئی حاجت کے لیے گیا اندھیرے میں,
किसने पीछे से उसका गला दबा दिया, आवाज निकाले बगैर उसको मार डाला, उसकी यूनिफॉर्म खुद पहन ली और यूनिफॉर्म पहन के अपने आदमियों को कहा मैंने ऐसा किया है तुम भी ऐसा करो, और उनके साथ शामिल होकर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को जो दरवाजे से जो सिक्योरिटी वाले थे उनको मार के ये किले के अंदर गए। खून खराबा जरूर हुआ, मगर जब इमाम के हुजूर में पहुंचे, मौलाना इमाम निजार बहुत बीमार थे, फरमाया हसन बिन सबा को कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं थोड़े टाइम में ड्रामा पूरा करूंगा, तुम शहजादा हादी को ले जाओ और ये तुम्हारा इमाम है, रस्ते के अंदर ही तुमको ये कहेगा कि मेरा ड्रामा पूरा हो गया। ये 40 आदमी मौलाना हादी को लेके जब चले और उधर जाके एक आदमी ने पहले से खबर की हसन बिन सबा मौला का इस्तकबाल यानी वेलकम करने के लिए बॉर्डर तक गया और मौला के मौलाना हाजी के घोड़े की लगाम पकड़ के नंगे पांव किले तक लेके आया। मैंने आपके सामने दो दाखले दिए हैं कि सिंगल इस्माइलियों ने सल्तनतें बनाई हैं, इस्माइलियों की बहादुरी दुनिया में और कोई जोड़ के साथ नहीं आती, कोई दूसरी कौम हमारे इस्माइली इतिहास के साथ एक तरीकी लाइन में खड़े होने के इक्वालिटी के अंदर नहीं आते। इस्माइलियों ने बड़े बड़े बहादुरी के काम किए हैं, तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, आग बरस रही है, ऐसी हालत के अंदर भी इस्माइलियों ने इमाम की खिदमत छोड़ी नहीं। ये तो जूना इतिहास बयान किया, मैं आपको आज से सिर्फ 36 बरस पहले, आज से 36 बरस पहले 1946 के अंदर बंबई में डायमंड जुबली थी, फरवरी का महीना, फर्स्ट वीक था फरवरी का, इंडिया के अंदर उस वक्त ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश नेवी के आदमियों ने रिवोल्ट की, नेवी का जो लश्कर था बाकी हो गया, गोलियां चलने लगी, सारा शहर बंद है, हमारी डायमंड जुबली है, 1,00,000 आदमी बाहर से आया है, हजर इमाम के प्रोग्राम चालू हैं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन माई फ्लैग लगा के इस्माइली गाड़ियां चल रही हैं। एक दिन सुबह के वक्त भिंडी बाजार के ऊपर गोलियां चल रही थी और इन गोलियां ऊपर से गोलियां चल रही हैं, बाजू में से गोलियां पसार हो रही हैं, वहां हमारे इस्माइली वॉलंटियर्स अपने भाई बहनों की गाड़ियों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते से जाओ, ये रास्ते से जाओ, इधर से निकलो, गोलियां चल रही हैं। शुक्र मौला का ऐसा कि कोई इस्माइली को लगा नहीं, जख्मी नहीं हुए, लेकिन उनकी बहादुरी देखो, एक गोली नहीं, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। इस्माइलियों ने हमेशा बहादुरी से काम किया, लेकिन दीनदारों आपको पता है कि बहादुरी और कायरता यानी कावर्डनेस और जो ब्रेवरी है, शूरवीरता और मुर्दारपना, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। जो सच्चे होते हैं वो बहादुर होते हैं, झूठे होते हैं वो कायर बुजदिल होते हैं। हम इस्माइलियों ने इतनी करेज और इतनी बहादुरी दिखाई, उसका एक मेन रीजन ये था कि हमारा ईमान बड़ा मजबूत था, मजबूत था। गुनहगार, बदमाश, शराबी और किस्म की बदियां बुराइयां करने वालों के अंदर ईमान की ताकत नहीं होती, उनके अंदर इस्माइली विल नहीं होती। इस्माइली विल तो इबादत से बनती है, इस्माइली विल तो दसवन देने से बनती है, इस्माइली विल तो हजर इमाम के ऊपर एतकाद रखने से होती है, इस्माइली विल तो मौलाना हजर इमाम की फरमान बरदारी से मिलती है, इस्माइली विल तो जमात की सेवा से मिलती है। ये इस्माइली विल होती है कि जो इस्माइली मजहब के ऊपर अमल करने से आती है। कायरों के अंदर, बुजदिलों के अंदर, कावड़ के अंदर इस्माइली विल नहीं होती। वो लोग के जिनका ईमान मजबूत नहीं, उनकी विल कमजोर है। मजबूत ईमान वाले की ही विल पावरफुल होती है। मौलाना हजर इमाम ने हमारे सामने ये फरमान करके हमको जगाया, उसने हमें दुआ दी है कि तुम सिरात अल मुस्तकीम के ऊपर कायम रहो, अपने मजहब के ऊपर अमल करो, तुम मेरे फरमानों के ऊपर अमल करो, आपस के अंदर सलासम मोहब्बत से रहो,
एक दूसरे की मदद करो। मौलाना हजरत इमाम ने फरमाया, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी होवे, तंदुरुस्ती भोगवो, तुम्हारी मुश्किलें दूर होवें, तुम्हें हर तरह बरकत मिले, आपस आपस के अंदर हिम्मत से रहो, सदा संख से रहो। ये इमाम जमान का पैगाम खुद हमारी कानों से सुना हुआ है। मैं तो आपको याद करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको बताया है वो समझा आपको मैंने बताया। मोमिनो, हमारा इस वक्त जो टाइम तंजानिया के अंदर पसार हो रहा है मुश्किल का है। हो सकता है जितनी इस वक्त हमें डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, शायद इससे ज्यादा मुश्किल आ पड़े, इससे ज्यादा तकलीफें आ जाएं, तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मैंने आपको अर्ज की कि हमारी हिम्मत ये है, रोज जमात खाने आओ, रोज जमात खाने आओ बाल बच्चे, रोज जमात खाने आओ बाल बच्चों को लेके आओ, एक्स्ट्रा इबादत करो, जितनी इबादत करे हो उससे ज्यादा कर दो। तीन वक्त की दुआ तो हमारे ऊपर है ही, परोड़िया की इबादत हमारे ऊपर है ही। परोड़िया की बात निकली तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सुबह की हाजिरी तो बहुत ही खराब है। आज बुधवार है, कल इंशाल्लाह अच्छी हाजिरी होगी जुमेरात है, कई लोग अपनी रूहानियों की दुआएं लाएंगे तो इस बार में जमात खाने आएंगे। जुमे को जो लोग 6 दिन नहीं आते वो 7वें दिन जुमे को आएंगे, जुमे को हाजिरी अच्छी होगी। और फिर शनिवार को, शनिवार को बिल्कुल हाजिरी घट जाएगी। शनिवार को क्यों हाजिरी घट जाती है? प्रोग्राम पहले से बने होते हैं, पिकनिक के प्रोग्राम होते हैं, पत्ते खेलने के प्रोग्राम होते हैं, सिनेमा जाने के प्रोग्राम होते हैं, ड्राइविंग जाने के होते हैं, बारबेक्यू के होते हैं, डांस के होते हैं। दिनदारों, मैंने आपको कहा कि हर जमाने के अंदर नबियों ने, इमामों ने, उनके हाथ के नीचे दाइयों ने, मिशनरियों ने, भक्तों ने जमातों का हमेशा ध्यान खींचा। मैं भी खींचता हूँ। मानना न मानना आपके अख्तियार में है। इमामों की बात नहीं मानते, नबियों की बात नहीं मानते, तो मिशनरियों की बात कौन मानेगा? लेकिन वो लोग जो दसवंदी होते हैं उनको धर्म की बात करो तो उनके कलेजे पे लगती है, उनके दिल में उतरती है। ये एक थर्मोमीटर की तरह माप है। नाफरमानी करने वाले बेदसवंदी हैं, जिनका ईमान कमजोर होता है वही बेदसवंदी होते हैं, और ईमान कमजोर होता है वही नाफरमानी करते हैं। कोई आदमी 100% पूरा नहीं, बड़े से बड़े दसवंदी और आबिद से भी कभी गुनाह होता है, मगर वो अजाना गुनाह होता है, भूल चुक में गुना हो जाता है, अनइंटेंशनल गुना हो जाता है। लेकिन मोमन जो है, दसवंदी है, ईमानदार है, इबादत वाला है, वो जानबूझ के कभी गुना नहीं करता, जानबूझ के नहीं करेगा। वो दुनिया को छोड़ देगा मगर दीन को रखेगा। दसवंदी होएगा, इबादत वाला होएगा, मोमन होएगा, हजर इमाम के ऊपर विश्वास रखने वाला, ईमान वाला होगा, वो शाम को जमात खाने आएगा, वो शाम को जमात खाने आएगा। उसको कोई काम भी होगा तो भी एक दफा जमात खाने में सलाम भर के फिर भले चला जाएगा। कोई मीटिंग है या कोई खास जगह के ऊपर, उसको कहीं जाना ही है, और बात है मजबूरी आ गई, और बात है एरोप्लेन जाने जाना है या किसी को लेने जाना है एयरपोर्ट के ऊपर, तो ऐसी तकलीफें, ऐसी तकलीफें हैं, वो और चीज है। लेकिन दिनदारों, एक आदमी घर बैठा है और जमात खाने नहीं आता, सिनेमा जाता है और जमात खाने नहीं आता, और जगह जाता है और जमात खाने नहीं आता, ये उसके ईमान की कमजोरी है। और हम मिशनरियों का ये दावा है, और वो दावा पीरों और इमामों के फरमान में से निकला है कि उस आदमी की दसवन बराबर नहीं, उसकी रोजी रिजक बराबर नहीं, क्योंकि जो हलाल की, जो अच्छी कमानी है, दसवन की कमानी है, उस कमानी के खाने से, वो लुकमा खाने से इंसान का ईमान मजबूत होता है। दगाबाजी की और हराम की कमानी से ईमान कमजोर होता है।
एक आदमी चोरी करके दसवंध देवे, वो दसवंध में आता नहीं, वो दसवंध में नहीं आता। इमाम के फरमानों में है कि मैं ऐसी दसवंध को फेंक देता हूँ, घोड़े को घास खिलाता हूँ। सुल्तान मुश्ताक ने एक दफा फरमाया कि ऐसे आदमी के जो बद रस्ते से कमानी करके उसमें से मुझे दसवंध देते हैं, मैं वो पैसे की घोड़ों को घास खिला देता हूँ, और वो घोड़े रेत में भी जीतते नहीं है, क्योंकि उनको पेट में भी ऐसी घास गई है, वो भी नहीं जीतते। लेकिन ऐसे घोड़े जैसे मौलाना हाजर इमाम ने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि आपकी दुनिया के अंदर मजा आ गया। हम भी हाजर इमाम के मुरीद हैं, हमारे दिलों के अंदर इमाम की मोहब्बत उजागर होनी चाहिए। मोमिनों सुबह शाम के मतखाने में आओ। हो सकता है आज मेरी बातें आज सुन के दरकार ना करो, सब के फरमान सुनाए हैं आपकी खुशी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये फरमान भी याद आएंगे और शायद मेरी आवाज भी याद करोगे। हम अच्छा टाइम पसार नहीं कर रहे, टाइम हमारा जो आ रहा है या हम जिस टाइम में से पसार होते हैं वो टाइम तकलीफ वाला है। अभी मौज शौक को रंग रलियों को बंद करो थोड़े महीने के लिए, एटलीस्ट इस महीने के आज से लेके इस बरस के आखिर तक कम से कम इतना तो करो। रात की नाइट लाइफ के लिए मैं उधर भी बोला आज भी बोलता हूँ, नाइट लाइफ को थोड़े टाइम के लिए बंद करो, मौज शौक के साधन बंद करो। सिनेमा ना देखने से आदमी मर नहीं जाता, सिनेमा ना देखने से आदमी मरता नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने आठ आठ दस दस बरस से सिनेमा नहीं देखा। इसी तरह से हमारे फजूल खर्चे, वो खर्चे के जो बच सकते हैं, वो खर्चे के जिनके बगैर चल सकता है, उन खर्चों को बंद करो। पैसा आपका है, मैं बोलता हूँ इमाम के फरमान से बोलता हूँ। आपके पैसे बचेंगे तो आप मेरे को उसमें से 10% कमीशन देने वाले नहीं हो, ना मैं मांगता हूँ। लेकिन वो पैसा जो बचेगा आपको कोई दिन काम आएगा। व्यापार घट रहा है और भी घट जाएगा, चीजें महंगी हो रही हैं और भी महंगी होंगी, बहुत सी चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत सी चीजें जो मिलती हैं शायद वो भी नहीं मिले। हमें सादा सिंपल जीवन गुजारने के लिए तैयार रहना चाहिए और मौलाना हजरत इमाम के इस फरमान के हिसाब से हिम्मत रख के रहना चाहिए। हमारा ईमान मजबूत हो गए वो ख्याल करके रहना चाहिए। जमा खानों की हाजिरी बढ़ाओ, सुबह भी आओ शाम को भी आओ, और एक्स्ट्रा इबादत करो, एक्स्ट्रा तस्बीहां निकालो अपने कुनबे कमीले की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए, और अपनी जमात के लिए, जमात की सेफ्टी के लिए, अपने सारे मुल्क और देश के लिए, मुल्क और देश की भलाई और सेफ्टी के लिए तस्बीहां निकालो। मौला के पास दुआ मांगो कि ये आने वाले वक्त में मौला हमको ईमानदारी के साथ पसार करावे। मौलाना हजरत इमाम फरमाते हैं, मुझे इस बात की पूरी खातरी है कि तंजानिया अपनी इन तकलीफों का सामना कर सकता है और इन तकलीफों में से निकलेगा, इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। मौलाना हजरत इमाम ने दुआ दी है कि तंजानिया इंशाल्लाह विल ओवरकम डिफिकल्टी। लेकिन हम वो हजर इमाम के इन फरमानों को याद करके संगठन में रहो, अपने कुनबे कबीले घरों फैमिलियों के अंदर सलाह संप्रेत मोहब्बत से रहो, जमात खाने में हित मोहब्बत से रहो, और अपनी बड़ाई मत दिखाओ, अपना शो पैसे का मत करो। कपड़ा लत्ता दर दागीना हिरना फिरना मौज शौक ये चीजें स्टॉप करो दिनदारों। मौलाना हजर इमाम आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, दो जहान में खैर बरकत देवे, भलाई देवे, नेक तौफीक देवे, मौला दसवंत सुकुरीत में पूरा रखे, तमाम तकलीफों मुसीबतों के अंदर अपनी मदद और छत्र छाया में रखे। मौलाना हजर इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। मौला आपकी जान में, माल में, आल औलाद में, आबरू इज्जत में, रोजी कमानी तंदुरुस्ती इबादत में, बंदगी के अंदर बरकत देवे, सलामती देवे। मौलाना हजर इमाम हमेशा आपको अपने नूर से दौरवनी और हिदायत करता रहे।
फिर हसन कबीर Oh.